अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू अख्तर ब्लॉग। आज मैं आया हूँ जकरिया स्ट्रीट, और जकरिया स्ट्रीट के थोड़ा सा आगे आएंगे लाल मस्जिद, मतलब जकरिया नाखुदा मस्जिद जो है बगल में है, और नाखुदा मस्जिद के थोड़ा सा आगे आएंगे एक दुकान है न्यू मुरादाबादी शॉप, जो कि बिल्कुल रॉयल इंडिया होटल के बिल्कुल करीब में है। ये देखिए रॉयल इंडिया होटल, एकदम ठीक उसके ऑपोजिट में ये दुकान है, और ये दुकान का नाम है न्यू मुरादाबादी शॉप। तो इसका वीडियो आपने पहले भी देखा हुआ है, और इंशाल्लाह आज कुछ अलग दिखाने वाला हूँ, बिल्कुल अपडेट आइटम, बिना स्किप किए देखिए, बहुत ही मजा आने वाला है। आइए आपको लेकर चलते हैं दुकान के अंदर। ये है न्यू मुरादाबादी शॉप, जो कि किसी तारीफ का मोहताज नहीं है, इसलिए कि ये दुकान 135 साल पुराना दुकान है। 135 साल पुराना मतलब अंग्रेजों के टाइम का ये दुकान है, और यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से बड़े बड़े डेक, और ये देखिए अभी एक आदमी ने खरीदा है, यहाँ पर लिखा और ये पूरा इसको नाम लिख दिया गया है। तो इस तरीके से यहाँ बहुत ही मतलब कंफर्टेबल हिसाब से आप यहाँ से माल खरीद सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं बहुत ही यहाँ पर आइटम जो ब्रास का है, पीतल का है, और भी अलग अलग टाइप के आइटम है, तो इंशाल्लाह आपको बहुत ही जबरदस्त माल मिलेंगे। तो आज जो खास आइटम है वो है शादी का पूरा सेट। ये हमारे पिछले वीडियो में भी हमारे हीरो थे, इस वीडियो में भी है माशाल्लाह। तो आज इनसे कुछ जानकारी करेंगे कि आइटम क्या है, नाम क्या है, ताकि लोगों को पता चले कि क्या क्या आइटम यहाँ पर मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं भाईजान। सलाम अलैकुम। सलाम अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए तो कहाँ से शुरू, यहीं से शुरू करते हैं। चलिए बताइए कहाँ से जाएं आप। इसको कहते हैं समय का सेट। समय का सेट जी। समय के सेट में ये प्याला होता है, ये जो देख रहे हैं बढ़िया क्वालिटी का है, ये हमारा खुद का बना हुआ है ये जो है, और ये चम्मच हुआ, ये इसके साथ चम्मच है, इसमें चम्मच हुआ, ये खाने के लिए हुआ, सभी खाने के लिए हुआ। इसमें जो है बहुत सारे लोग 6 लगाते हैं, बहुत सारे लोग 12 लगाते हैं, अपना अपना चॉइस के ऊपर, उस हिसाब से फिर ट्रे भी छोटा बड़ा हो सकता है जी। अगर ये अभी जो मैं आपके सामने ये रख रखा हूँ, इसमें जो है 6 पीस है प्याला, अगर कोई 12 लगाएंगे तो इसमें ट्रे भी 12 होगा, इसका साइज और भी हमारे पास है, बहुत सारा साइज होता है, प्याले का साइज भी बढ़ सकता है जी, जी प्याले का भी साइज बढ़ सकता है, बहुत तरह का साइज होता है इसमें, बड़ा मतलब एक सैंपल दिखाने के लिए ये लगाया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मिनर है, ये शादियों में दहेज में दिया जाता है, दहेज में दिया मिनर है, लड़कियों को शादी में दिया जाता है। ये देखिए ये मिनर है, मिनर है, और ये खास करके मेकअप करने के लिए लड़कियों को दिया जाता है। और ये जो आप सामने में देख रहे हैं इसको कहते हैं मिलाद सेट, मिलाद से वाओ, इसको मिलाद का सेट कहते हैं। और ये हमारे पास जो रखा हुआ है ये मीडियम साइज है, इसमें और भी बड़ा साइज होता है, छोटा साइज होता है, इसका काम देखिए कितना खूबसूरत है, ये हमारा खुद का बनाया हुआ है, ये खुद का मैन्युफैक्चर है, बढ़िया क्वालिटी है ये जी। इसमें ये मिलाद सेट जो भी लेते हैं, इसमें दो ये फूल रखने वाला जरूरी है, ये गुलदस्ता मतलब गुलदान इसको बोलते हैं जी, इसको गुलदस्ता कहते हैं, और इसको गुलाब पानी का कहते हैं, जो पानी वगैरह छीटा जाता है जी जी। ये भी दो होना जरूरी है, अतरदान होता है एक, जो ये देख रहे हैं अतरदान है, और ये जो देख रहे हैं अगरबत्ती का है, और ये सुरमेदानी है, और ये नीचे का तश है। तो इसमें जैसा साइज होगा, साइज के हिसाब से जितना बड़ा छोटा बोलिएगा मिल जाएगा, मिल जाएगा जी। अच्छा ये एक बात हमको पूछना था, ये पूरा मिला करके, हालांकि ये तो केजी हिसाब है या सेट हिसाब है, सेट के हिसाब, सेट के हिसाब से, तो इसमें मिनिमम प्राइस जी, सबसे कम प्राइस आपके पास जो है वो बताएंगे, और सबसे हाई प्राइस जो है वो बताएंगे। हमारे पास जो है मिनी प्राइस जो है 850-900 रुपए से मिला सेट स्टार्ट होता है, मिला सेट वो आपके ऊपर है, आपकी क्वालिटी के ऊपर है, क्वालिटी पे डिपेंड करता है, आप जैसा क्वालिटी का, हाई क्वालिटी कितने तक का जा सकता है, सब तरह का होता है, सब रेंज का होता है ना, तो उसमें मतलब एक्यूरेट रेट नहीं बताया जा सकता है के मतलब कौन से लोग क्या पसंद करेंगे, लेने वाले ऊपर, लेने वाले पे डिपेंड करता है, जो आपने जैसा से ले, मतलब सबसे कम प्राइस 800-900 रुपए से, 800-900 रुपए से स्टार्ट होता है। और ये समय का सेट कितने से स्टार्ट होता है, समय का सेट वैसे ही आपको 1000-1200 रुपए से स्टार्ट होता है। ये शादी में देने वाला ये सुराही होता है, जो लड़कियों को दहेज में दिया जाता है, इसमें इसमें देखिए इसका काम कितना खूबसूरत है, और ये जो है पानी डाल के पीने वाला है, इसमें और भी बड़ा छोटा साइज होता है, इससे भी बड़ा साइज होता है, मतलब एक सुराही और एक गिलास, ये एक सेट हो गया। चलिए बाकी बहुत जबरदस्त वर्क किया हुआ है, काम किया हुआ है, वो तो खूबसूरती में अपने आप में है माशाल्लाह। ये पूरा एक सेट हो गया, इसको कहते हैं कैंडल स्टैंड। अच्छा ये भी शादियों में दिया जाता है, पहले मोमबत्ती वगैरह जलता था, आज भी इसकी जरूरत पड़ जाता है। हाँ ये तो एक खूबसूरती भी है, और उसके अलावा भाई बिजली तो कहीं भी आना जाना ना कहीं रहता है, तो कोई टाइम टेबल नहीं है, कब आए कब जाए, काम होता रहता है उसके हिसाब से। ये कैंडल सेट है, ये लड़कियों को शादी में दिया जाता है, इसको पानदान कहते हैं, पानदान जी, दहेज में दिया जाता है, इसमें इस तरह करके खोल के ये जो है ये पान का जो पत्ता होता है रखने का होता है, इसमें मसाला वगैरह होता है, मतलब जैसा पत्ता है चूना है,
और क्या नाम है, सुपारी है, इसमें भी आपका बड़ा छोटा बहुत सारा साइज होता है, साइज होता है जी, मिल जाता है। इसका मिनिमम प्राइस कितने का आता है? ये 70 का आता है, 900-950 रुपए का स्टार्ट होता है, उससे भी कम का है, लेकिन वो नॉर्मल होता है। वो नॉर्मल, जब ये पानदान शादी में दिया जाता है तो इसका भी बहुत पड़ता है, उगलदान कहते हैं इसको जी, उगलदान। ये फोल्डिंग है, इसमें बहुत सारा छोटा बड़ा साइज होता है, अच्छा फोल्डिंग है, खुल जाएगा, इसमें आप जो लगा भी सकते हैं मिल जाएगा। इसको कहते हैं 11 सेट, ये भी शादियों में दिया जाता है, 11 सेट भी बोला जाता है। इसमें बहुत सारे लोग 6 गिलास लगाते हैं, कोई 4 गिलास लगाते हैं, इस तरह का सब लगता है। ये देखिए, ये जो है बड़ा खूबसूरत है, देखिए कितना खूबसूरत है, बढ़िया क्वालिटी में ही, इसका और भी क्वालिटी होता है, और भी क्वालिटी होता है जी, मिल जाता है। और इसका देखिए, ये भी पूरा सेट है, तो इस तरीके से ज्यादातर लोग अपने लड़कियों को देने के लिए सब सेट ही खरीदते हैं। लड़की को ये देना जरूरी होता है, क्योंकि ये चीज में दिया जाता है, आज से नहीं, हर परंपरा वाला चीज है। हाँ, परंपरा वाला बात है, परंपरा वाला जी जी। ज्यादातर घरों में मैं देखता हूँ, पूरा सामान देने के बाद भी वह पीतल का तांबा का सामान क्यों नहीं दिया, ये जरूरी, तो ये जरूरी में आ जाता है। और इसमें डिनर सेट होता है, डिनर सेट भी आता है, डिनर सेट भी आता है, उसमें आपका 6 जो प्लेट होता है बड़ा होता है, 6 छोटा होता है, प्याला होता है, 6-6 करके, उसका जो बहुत सारा साइज होता है, आपके 64 पीस का सेट होता है, 64 पीस का सेट, वो भी मतलब ये पीतल का 64 पीस का सेट, तो दाम भी बहुत हाई हो जाता है। सब रेंज का आता है, लेने वाले के ऊपर डिपेंड है, जैसा लेने लगे। और ये जो आपको ये जो है टी शर्ट हो गया, टी शर्ट है, इसका देखिए कितना खूबसूरत काम है, और ये चाय डालने के लिए है, टी शर्ट कहते हैं इसको, टी शर्ट देखिए, ये एक ट्रे है, एक कप है, 6 प्याला और एक तश्तरी, ये देखिए तश्तरी, ये पूरा मिला करके मतलब 6 प्याला, 6 तश्तरी और एक तश्त, इसको तश्त बोला जाता है, बहुत ही खूबसूरत। इसके साथ आपका ये भी है चम्मच भी है, जैसे कोई हाँ चीनी अलग से लिए और अलग से पीना है उसके लिए चम्मच आता है, और ये लेने वाले को ऊपर डिपेंड करता है, ये चम्मच उस पर सेट करेंगे ही नहीं, तो मतलब हर हिसाब से आप लोग कंफर्टेबल तरीके से उनको प्रोवाइड कर देते हैं। ये काफ़ी पुरानी दुकान है, लोग इसी मकसद से आते हैं, यहाँ पे हमको अच्छी क्वालिटी का सामान मिल जाएगा। ये तो 1884 का दुकान है, बहुत पुराना है, मतलब लगभग 140 साल, 139 साल इस दुकान को, 135-135 कर रहा था, मगर देख रहा हूँ कि 139 साल हो गया, 1884 से है, चल रहा है ये 2023। चलिए, शादियों में जो जाता है, खाना वगैरह देने के लिए टिफिन है, इसमें डाला जाता है, ये डिनर से जो बताया था, ये 64 पीस का आता है, इसमें जो आपको जो काम दिखाए थे हमारे पास, वही सब काम मैचिंग होगा। अच्छा, ये एक बार यहाँ कैटलॉग में आप कैमरा थोड़ा बड़ा कर, इसमें देखिए आइटम कितना है, आइटम भी इसमें लिखा हुआ है, हर पीस इसमें चम्मच वगैरह सब मिला हुआ है। अच्छा, छोटा चम्मच, चाय चम्मच, खाने का चम्मच, ये सब होता है। और ये जो आपको जो चाय कितनी दिखाई दे रही है, पहले ये आपका टिफिन है, टिफिन एक बार दिखा दे, देखिए इसके साथ चम्मच भी दोनों साइड लगा हुआ है, और ये बहुत ही खूबसूरत ढंग से इसको तराशा गया है, माशाल्लाह बहुत। इसमें एक मॉडल आपको ये भी आएगा, ये आएगा, अच्छा एक मॉडल ये भी है, एक डियर आपको ये भी आएगा, ये नॉर्मल डिजाइन है, मगर ये अलग टाइप का, ये हमारे पास जो भी मिलेगा आपको, प्योर ब्रास मिलेगा, प्योर काशा मिलेगा, प्योर कॉपर मिलेगा, प्योर मिलेगा, जो भी मिलेगा प्योर मिलेगा, जो भी मिलेगा प्योर मिलेगा जी। अभी ये भी चल रहा है, ये महफिल जाम है, ये देखिए ये महफिल जाम है, ये महफिल जाम है, बहुत जबरदस्त महफिल जाम है, बहुत खूबसूरत माशाल्लाह, पूरा दिखाएं एकदम। अभी जो शादियों में जो बच्चियों को पूरा किया जाता है, इसको जेवर बॉक्स कहते हैं। अच्छा, ये जेवर बॉक्स है, इसमें आपको जो है लॉक सिस्टम है। अच्छा, ये लॉक सिस्टम है, इसमें चूड़ियों वगैरह भी रखने का है, इसमें आपको ये चाबी भी है, ये लॉक सिस्टम है, बंद कर दीजिए, खोल दीजिए। चलिए, उसके बाद जो दहेज में जो दिया जाता है, मैं आपको दिखा दूँ, ये तांबे की पतीली है, ये प्योर कॉपर है, इसमें कॉपर कहिए तांबा कहिए एक ही बात है, ये तांबे की पतीली है, ये दहेज में इसलिए दिया जाता है, इसमें गोश्त या बिरयानी या सब्जी जो भी बनाएंगे, खाने का जो टेस्ट होता है, जायका होता है, बढ़िया होता है, बढ़िया होता है, मतलब चेंज हो जाता है जी जी। उसके बाद शादियों में ये दिया जाता है, इसको कहते हैं चिलमची, ये खास तौर के कलकत्ते के शादी में दूल्हे को हाथ भी धुलाया जाता है, और ये पुराना रिवाज है मेहमानों को हाथ धुलाने का। जी 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 बिल्कुल। तो ये तांबे की मैंने पतली दिखाया जाता है, जो आपको लाल कलर का वो तांबा होता है, और जो आपका ये पीला कलर का, ये पीतल की पतली हुई। अच्छा, पीला वाला पीतल, ये पीतल नहीं है, शादियों में दिया जाता है। और ये जो आपके सामने जो रखा हुआ है, आटा गूंदने का गमला है, इसको कठौत कहते हैं, जो ये बिहार के शादी में देना जरूरी है, ये वाली जी, ये कठौत है। और ये जो है गमला है,
चाहिए गमला हो, इसको गमला कहते हैं, ये देना जरूरी हो जाता है शादियों में, बच्चियों को दिया जाता है। और खास तौर के बिहार के शादी में ये जो आप देख रहे हैं ये फूल का बदना है, काशा का बदना कहते हैं, काशा का बदना, ये काशा का बदना है जो देना जरूरी हो जाता है। ये काशा का कटोरा है, ये आपका गिलास है, ये चम्मच है, ये थाली है। ये शादियों में अक्सर दो दो पीस करके दिया जाता है, दो थाली, दो कटोरा, दो बदना, दो गिलास, दो चम्मच, इस तरह करके सामान के जोड़ा होता है, जोड़ा होता है जी जी। ये भी आपका कटोरा है, प्लस ये सेनी है, ये भी दिया जाता है, सेनी भी दिया जाता है। ये जो आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं निकाह का, कलकत्ता या बिहार की शादी में जो होता है ये निकाह का आइटम कहा जाता है, जिसमें कम से कम दो कलसी देना जरूरी है, कम से कम दो, दो कलसी देना जी जी। एक में जो है तेल रहता है, दूसरा में जो है ड्राई फ्रूट वगैरह रहता है। अच्छा, ड्राई फ्रूट वगैरह। प्लस जो लड़का वाले के यहाँ जो कपड़ा जो जाता है, लड़का वाले का जो जाता है, लड़की वाले के यहाँ सेनी होता है, जो ये सेनी आप देख रहे हैं ये भी दिया जाता है, 5 सेट 6 सेट 9 सेट जो जिसका जैसा। ये बाल्टी है, ये पीतल का ही बाल्टी जी, ये पीतल की बाल्टी है, ये भी शादी में देना जरूरी हो जाता है। मतलब अल्मोनियम और स्टील देने के बावजूद वो दे ना दे कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब ये देना जरूरी है। तामा, पीतल, काशा जो है ये हमारा परंपरा रिवाज है, ये चीज देना जरूरी है लड़कियों को, कोई भी लड़की को खाली हाथ नहीं जाने देना, ये देना जरूरी है। ये क्या था भैया? ये जो आप देख रहे हैं ये तांबे की शेनी, तांबे की शेनी जी, ये तांबे की शेनी भी शादी में दिया जाता है। ये जो देख रहे हैं इसको कहते हैं लगन, लगन, ये तांबे का लगन होता है वो शादी में दिया जाता है। ये जो देख रहे हैं इसको कहते हैं मुगल खानदान, ये तांबे का मुगल खानदान है, मुगल खानदान जी, ये मुगल खानदान है तांबे का, ये मुगल खानदान है, ये भी देना जरूरी होता है जी। ये होगा तांबे का आइटम। अब मैं आपको कुछ आइटम यहाँ पर दिखाता हूँ, ये तांबे का प्योर तांबे का बोतल है, ये प्योर कॉपर में, प्योर कॉपर का है, प्योर कॉपर का है। इसमें पानी पीने से फायदा होता है, फायदा होता है, क्या फायदा है भाई इसमें? फायदा है जो आप जो है रात में सोने के वक्त में पानी इसमें भर के रख दें, उसके बाद सुबह उठ के ब्रश करके आप पानी पी लें, आधे घंटे तक कुछ ना खाएं डॉक्टर के हिसाब से। इसमें शुगर प्रेशर हार्ट वाले के लिए फायदा होता है। ओहो, शुगर प्रेशर और हार्ट, ये खाली पेट में पीने के लिए, पेट के लिए बहुत फायदेमंद होता है। और ये तांबे का गिलास है, गिलास बहुत खूबसूरत है, जो डिजाइन जो किया जाता है ना जी, इसमें जो बहुत सारा डिजाइन आता है, बहुत सारा क्वालिटी का होता है। ये तांबे का जग है, इसको कहते हैं कश्मीरी जग, कश्मीरी जग, ये जग जो है कश्मीरी जग है, ऐसे नॉर्मल जो जग चलता है वो भी आपके पास। और ये जो है आपको 12 लीटर का है, 12 लीटर का, ये 12 लीटर का है, कलसी है, नल भी लगा हुआ जी, नल भी लगा हुआ है। अब जिनके घर में बड़ा फैमिली है ये पानी ले लेते हैं, पानी प्लस फिल्टर वगैरह भी हो जाता है। अच्छा, आयरन जो होता है पानी का, ये कॉपर जो पकड़ लेता है। अच्छा, ये बात है, मतलब पानी के आयरन को ये नष्ट कर देता है, खत्म कर देता है जी जी, आयरन जो होता है जी। ये जो है तांबे की चाय की कटोरी, ये भी शादियों में दिया जाता है। इसमें आप चाय बना के रख देंगे तो काफी देर तक चाय का जो टेस्ट है एक जैसे ही रहता है, एक जैसा रहता है, ठंडा भी नहीं जल्दी नहीं होता। और तांबे का जैसे जो आग में रखने वाला कोई भी आइटम होता है तो उसमें ये कोटिंग करना जरूरी हो जाता है। अंदर में देख रहे हैं कलेज किया हुआ है, हाँ कलेज किया हुआ है, कलेज जो होता है वो रांगेस होता है। अच्छा, और ये रांगे से जो है कलेज करना जरूरी हो जाता है। हाँ, नहीं करने अगर आपने डायरेक्ट, आपने डायरेक्ट जैसे डायरेक्ट कहा जाएगा ये चीज़ को, इसलिए डायरेक्ट, ये डायरेक्ट वाला जो सामान जो भी होता है उसको आग में आप डाल नहीं सकते, आग में डाल नहीं डाल सकते, या गर्म आइटम इसमें आप रख नहीं सकते। अच्छा, इसमें पानी पियेंगे तो फायदा करेगा, इसको आग में अगर जैसे गर्म पानी अगर रखेंगे तो नुकसानदायक। जी जी, बिल्कुल आपने सही सवाल किया। देखिए, अगर आपने गर्म पानी रखना हो, गर्म पानी रखने का मकसद है जो आग में बर्तन को आपने डालेंगे जब भी पानी गर्म होगा उसके लिए ये कलाई जरूरी, रांगे से कलाई करना जरूरी है। बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं रहता, लेकिन हमारी दुकान 1884 की है, पुरानी दुकान है, हम ये बात लोगों को बता देते हैं इस तरह करके आप इस्तेमाल करें तो इसका फायदा आपको नजर आएगा, नहीं तो फिर नुकसान होगा, नहीं तो नुकसान होगा। ये चीज हम लोग, हमारे पास जो है रेडी किया हुआ भी रहता है, किसी के पास जो आपसे बहुत पहले खरीद के ले गए उसका रांगा खत्म हो चुका है जी, तो वो अगर आपको ला करके दे तो क्या उसको रांगा आप लोग चढ़ा देंगे? जी जी, बिल्कुल हमारा काम होता है, हम उनको अगर जो आदमी हमसे ले गए हैं जो इस्तेमाल कर रहे हैं, इस्तेमाल करते करते उनका जो रांगा जो खत्म हो जाता है, अगर हमारे पास वो लाते भी हैं, लाते भी हैं, तो फिर उनको हम लोग 2-3 दिन का टाइम देते हैं, फिर उनको हम लोग कली करके दे देते हैं, रांगा करके दे देते हैं। रांगा करना जरूरी है, बिल्कुल। ये देखिए तांबे का बदना है,
इसको तांबे का बल्ला कहते हैं, लोटा भी कहा जाता है, लोटा भी कहा जाता है। ये शादियों में भी दिया जाता है और इसमें भी आप पानी रख के पिएंगे फायदा करेगा। ओरिजिनल होना चाहिए, ओरिजिनल हमारे पास प्योर कॉपर है, ओरिजिनल होना चाहिए। इसमें और भी बहुत सारे मौली साहब होंगे, वजू भी बनाते हैं, वजू बनाने में भी काम आ रहा है, बहुत सारे काम में आता है। ये जो आपका तांबे का टिफिन, तांबे का टिफिन, इसमें आपने जैसे खाना को घर से ला के रख दिया तो इसमें कभी सीधे खाना खराब नहीं होगा, जैसा वैसे रहेगा और खाना भी टेस्टफुल रहेगा। और तांबे का बर्तन इस्तेमाल करना चाहिए, इसमें फ़ायदा है। अब ये देखिए, ये जो आपको जो अभी हमने दिखाया था बिना, ये जो है नल लगा हुआ है जी, इसमें जो आप अपना नल को खोल के पानी निकाल लीजिए, फिर नल को बंद कर लीजिए, इस्तेमाल करने में आसानी होता है। अच्छा, ये कहा था बिना नल का, बिना नल का। ये कितने लीटर का है? ये आपका जो है 8 लीटर का। हाँ जी, ये वाला 12 लीटर का। इसमें 4 लीटर से स्टार्ट होता है, 4 लीटर से स्टार्ट होता है। तो जैसा कि आपने देखा, आइटम की कोई कमी नहीं है माशाल्लाह, वैरायटीज तो बहुत सारे हैं। आइए बस, अब ज्यादा नहीं वक्त बर्बाद करते हुए मैं आपको शॉप के अंदर साहब से मिलवाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। तो बाकी आपका आइटम तो मैं पहले भी दिखा चुका हूँ और आज जो दिखाया बहुत ही मजा आया। तो आप अपने दुकान के बारे में पहले हमारे व्यूअर को कुछ बता दें। और जैसा कि मैंने पहले वीडियो में भी दिखाया था और उम्मीद से ज्यादा लोगों ने पसंद किया, और मेन खास बात है कि देखिए, हम मैं ये चाहता हूँ और मैं आपसे भी अगले वीडियो में भी मैंने पूछा था कि हमारे ऑल इंडिया में जो कस्टमर है वो आपसे माल मंगवा ही रहे हैं, तो और भी हमारे व्यूवर जो नए जो जुड़ेंगे इसमें वो भी आपसे जुड़ना चाहेंगे आपके सामान को देखकर, तो उनके लिए क्या वही प्लान है कि मतलब जैसा आप पहले कस्टमरों के लिए हुआ? मेरा आगे वीडियो में भी बहुत है, लोगों का इंक्वायरी बहुत आती है, मैं हर आदमी को जवाब देता हूँ, लेकिन मैं एक बात कहना है कि अगर आप यहाँ बैठ के रहें या बुलाएं कोई फर्क नहीं है, दाम में हो या कोई चीज़ में, और हमारी तरफ से कोई भी सामान अगर आपने बैठ के नहीं मंगवाया, ये नहीं है कि हम गलत सामान दे देंगे, गलत चीज़ दे देंगे, गलत सामान दे देंगे, ये हमारा प्रिंसिपल है, हम साफ सुथरा काम करते हैं, साफ सुथरी बात है, और अपनी तरफ से हम सही चीज़ भेजते हैं, जो भी चीज़ भेजते हैं उसकी भेजने से पहले पूरी आपको सेटिस्फाई कर देंगे, रिकॉर्डिंग दे देंगे, चीज़ के नाम बता देंगे, अच्छी बता देंगे, आपको बिना हो तो पैसा भेज के हम आइए, सामान पैसा भेज के देंगे, बाकी ये भेजा जाता है, और अगर दुकान के अकाउंट में पैसा हम मंगाते हैं, अगर आपको बिना हो तो अकाउंट का पैसा भेज देंगे, आपका पैसा कहीं जाएगा नहीं, और अगर आप आके लिए तो हमारे जैसा कि सर ने कहा कि मतलब आप यहाँ एकदम बिल्कुल निश्चिंत होकर के खरीदारी कर सकते हैं, तो बस इसी बात पर मैं अपने वीडियो को खत्म करता हूँ। अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलेगा।